देखो ये दिखा मैडम ने खेत का पानी खेत में, तो हम लोग ये बोले अपरिष्ट में खेत में, तो ये जो है ना जितना जरूरत है उतना ही पानी दिया जाएगा। तो जो कि हम स्कूल से रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके हम एक ट्यूबवेल में डाले, हम आप देखा है पॉली हाउस है उस साइड को सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम है। क्रॉप नहीं ले, वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप हो या फील्ड क्रॉप हो, सिंगल क्रॉप लेंगे तो हमारा जो इनकम है। पूसा रोड पहुँच गए हैं, यहाँ किसान मेला लगा है, कल लास्ट डेट है 27 तारीख। तो यहाँ पर अनेक प्रकार के हाइब्रिड बीज हैं और खेती की वैज्ञानिक तकनीक जान, और मैं तो यहाँ आता रहता हूँ महीने दूसरे महीने में। यदि आपको उत्तराखंड में बागवानी करनी है या कोई सॉइल टेस्ट करनी है तो 600 रुपये रूटीन टेस्ट है, उससे आपका आसानी से पता चल जाएगा कि मिट्टी में अम्लिक है, एक्लिक है, या इस मिट्टी में नाइट्रोजन कमी है, पोटेशियम है, फास्फोरस की कमी है। तो उस 600 में आप यहाँ से रूटीन चेक करा सकते हो और 15 दिन के अंदर रिपोर्ट मिलेगी। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर एक कृषि मेला लगा है जो अपने पूरे साल की अपनी रिसर्च के बारे में जनता को बताना चाह रहा है, किसानों को बताना चाह रहा है कि हमने ये रिसर्च किए पूरे साल में, और आप लोग जो भी इसमें आपको अच्छी लगती है उसको आप एडोप्ट करेंगे, जिससे आपकी पैदावार बढ़ेगी, देश खुशहाल होगा। इसलिए आप किसान भाई आइयो और यहाँ देखिए कि नई नई रिसर्च क्या हो रही है, आपको पता लगेगा कि हम क्या क्या कर रहे हैं, किस किस फील्ड में कर रहे हैं। यहाँ हर तरह की है, चाहे पानी पर हो या पौधों पर हो, नई वैरायटी निकालने पर हो, मतलब हर तरह के फील्ड है यहाँ पे। और आप आइए और एग्रीकल्चर संबंधी जितने भी इम्प्लीमेंट्स वगैरह हैं वो भी दिखाए गए हैं कि भाई जैसे आपका ट्रैक्टर है, सीड ड्रिल है, होगी, और आइए आप लोग यहाँ से अच्छी जानकारी ले सकते हैं, जिससे आपकी जैसे आपका हमारे देश के प्रधानमंत्री रोज कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर किसान जरूरी है। तो इसलिए आप हम चाहते हैं कि देश का किसान खुशहाल हो, उसकी पैदावार बढ़े और जनता में जागरूकता है, और यदि किसान खुशहाल होगा तो हमारी आधी से अधिक जनता तो खुशहाल वैसे हो जाएगी, और यदि किसान खुशहाल होगा उसकी जेब में पैसे होंगे तो वो मार्केट में जाएगा और नई नई चीज़ें खरीदेगा, तो सभी लोगों का बिजनेस चलेगा और सभी खुशहाल होंगे। इसलिए आप यहाँ मेले में आइए और नई नई जानकारी लीजिए। तो अब आप मैडम ये देखिए, मैडम डॉक्टर सुषमा सुधीश्री प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं, और हमारा IARI का ही एक डिवीज़न है जिसका नाम है वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर, तो ये उसमें प्रधान वैज्ञानिक हैं, और ये वाटर सेट डेवलपमेंट का एक इनका अपना प्रोजेक्ट है, इसमें सभी तरह का विकास होता है, चाहे वो कर ही लीजिए। ये अब बात करिए डॉक्टर मैडम सुषमा सुधीर जी से। मैं डॉक्टर सुषमा सुधीर, जैसे डॉक्टर बीरपाल सिंह जी बताए, एक्चुअली जो हमारा सरकार का जो आत्मनिर्भर भारत है, तो जब आत्मनिर्भर भारत है सब चीज़ उसमें कंपोनेंट से है, लेकिन जब तक जल नहीं होगा तो जल हम लोगों के पास नहीं होगा, तो अब कोई भी चीज़ हम नहीं कर सकते और किसान भी आत्मनिर्भर हो नहीं सकता। कोई भी एंगल में जाइए, आपका बीज चाहिए या कुछ भी चाहिए, सब चीज़ में तो फसल उगाने के लिए या फल उगाने के लिए सब चीज़ के लिए हमको पानी ही चाहिए। हाँ मैडम, तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। देखो आपने बताया है कि आपके पास बहुत अच्छा बीज है, बहुत अच्छी आपने खेत की जुताई करी है, बहुत अच्छी तरह से आपने खेत को सीड में उसमें सोइंग की है, और सीड जर्मिनेशन हो गया, बहुत अच्छी क्रॉप है, स्टैंडिंग कर रही है, लेकिन जैसे ही बहुत अच्छी पैदावार होगी सब कुछ होगा, अदरवाइज पानी नहीं है तो आपका कितना ही अच्छा बीज हो, कितना ही अच्छा खेत हो, कितने ही अच्छे आपने इनपुट लगा हो, सब बेकार है। तो मैडम बताएंगे आगे। देखो तो ये जो जल है, ठीक है हमारा जल ही जीवन है, हम लोग बचपन से भी पढ़ के आए हैं, लेकिन जल संरक्षण और जल का सदुपयोग हम नहीं करेंगे तो हमारा आने वाला काल है जो है अंधेरा ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो इसलिए हमारी ये जो मॉडल है, जो इसका थीम जो हम लोग इस बार रखे हैं, जल सुरक्षित आत्मनिर्भर भारत, तो हमें एक चीज़ बताऊंगी, तो हम जल सुरक्षित कैसे करें, आत्मनिर्भर भारत जो हमारा किसान जो है वो आत्मनिर्भर कैसे हो सकते हैं जल का उपयुक्त सदुपयोग करके। ये जो हम देखा है कोई भी एरिया में आप जाएंगे, ये जो हमारा मॉडल है, पहले जल जो हमारा सोर्स है उसका मेन सोर्स है हमारा रेनफॉल है, बारिश का पानी है। तो बारिश का पानी हमारा जो भारत है, कोई भी एरिया में जाएंगे कहीं ज़्यादा बारिश होती है कि तो कहीं कम बारिश होती है, लेकिन आप राजस्थान जाइए उधर कम बारिश है, असम जाइए ज़्यादा बारिश है, लेकिन जो ज़्यादा बारिश है उधर भी लोग परेशान हैं, जहाँ ज़्यादा बारिश नहीं उधर भी लोग परेशान हैं। तो इसके लिए हम कैसे क्या हम लोग करें जो कि पानी का हम लोग अच्छे से
उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका सदुपयोग कर सकते हैं। 12 महीने आपको पानी उपलब्ध रहता है, आपको उपलब्ध हो सकता है। हाँ हाँ, तो वो कैसे? तो ये देखिए, सपोज आसाम में जा रहे हैं, हाँ। आसाम में भी बाढ़ है, हाँ। उधर पानी भी बह के जा रहा है, ब्रह्मपुत्र में जा रहा है, उसके बाद बे ऑफ बंगाल में चला जा रहा है, लेकिन उसके उसका पानी को हम रोक दें जगह जगह पर, तो जो पानी का जो एक फ्लो होता है ना, कि वेलोसिटी होती है, वो रुक जाएगा धीरे धीरे। तो इतना स्पीड से जो जा रहा है, जो फ्लड आ रहा है, तो वो कम हो जाएगा। लेकिन फ्लड आने के लिए जो हम बोलते एक वाटर शेड है या रिवर बेसिन है या कैचमेंट एरिया, उसको जब तक हम ट्रीट नहीं करेंगे तो ये समाधान नहीं हो पाएगा। वो तो एक चीज़ है। सपोज हम चले राजस्थान, राजस्थान में हमारे पास बारिश कम हो रही है, तो उसमें क्या होता है, जैसे आसाम में पानी बह के जा रहा है, राजस्थान में तो पानी बह के नहीं जाएगा, लेकिन ये कि जितना पानी है वो नीचे चला जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, एवापोरेशन ज़्यादा है, तो वो भी पानी कम है लोगों के लिए। तो इसलिए उसके लिए हम जो पानी हमारे जितना ही बारिश हो रही है, हम वहीं का वहीं कैसे हार्वेस्ट पे, जहाँ ऊंचा ज़्यादा है, उसके बाद मीडियम स्लोप है, कम ढालन है, उसके बाद जो प्लेन एरिया है, जैसे कुछ फार्मर बोलते हैं हमारे ये प्लेन एरिया है, हमारे ये प्रॉब्लम है, कुछ लोग बोलते हैं हमारे तो पहाड़ी है, हमारे ये प्रॉब्लम है, तो हर जगह पर टोपोग्राफी आप बोलिए या क्लाइमेट वाइज बोलिए, सबका प्रॉब्लम है। तो इसलिए इसका जो सोल्यूशन है, मैं आपको एक एक करके बताऊंगी इसका सोल्यूशन कैसे हम कर सकते हैं, जो कि हमारा ये जल सुरक्षित आत्मनिर्भर भारत हम बोल सकते हैं, और उसके बाद हमारा आत्मनिर्भर किसान जो है हमारा आत्मनिर्भर हो सकते हैं। देखो मैडम की मैं बताऊंगा, मैडम जो बता रही हैं, ये कह रही हैं जैसे बारिश होती है उस पानी को हमें वहीं रोकना चाहिए। यदि वो पानी बह कर चला जाता है ना, उसको संरक्षित नहीं करेंगे, तब तक हमें पूरे 12 महीने पानी नहीं मिल पाएगा खेत में। इसलिए पानी रोकना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपने देखा होगा वहाँ तो पीने के लिए बहुत मुश्किल है, मुश्किल है, किसान के लिए तो बहुत मुश्किल है नहीं कोई पानी। तो इसलिए वहाँ पे भी जो मैडम जी का जो वाटर शेड डेवलपमेंट का जो ये मॉडल है, ये सब जगह बहुत अच्छी खुशहाली ला सकता है, यदि किसान इसके आधार पर मतलब स्टेट वगैरह। आप इधर से देखेंगे ये जो है एरिया है, आप देखिए कोई भी एरिया में देखिए, पहाड़ देखिए, वो अधर उधर जो है वो डिग्रेडेड है। डिग्रेडेड मतलब कोई भी पहले वेजिटेशन जो था। एक बार मोटर चलवा दे, पानी बहक आएगा। हाँ अमित, इधर जो है डिग्रेडेड है, फॉरेस्ट जा चुका है, और जो गाय भैंस जितने भी है सब वो ग्रेजिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, मतलब स्टोन क्वेरी होता है, तो उसमें क्या होता है ना, अगर जितना जो फॉरेस्ट थे और जितना एनिमल्स थे, वाइल्ड एनिमल्स थे या कुछ भी है, वो अभी आजकल कुछ भी नहीं, और उसके बाद सेटलमेंट होती है, तो इसके क्या होता है कि बारिश का पानी, आप देखिए जैसे बारिश हो रही है, तो बारिश में क्या हो, आप देखेंगे ये जो नाला है मेन, और कितने स्पीड से और मिट्टी के साथ पानी बह के आएगा, तो ये जो है ये इसमें आप देखेंगे दो तीन चीजें प्रॉब्लम है। एक है उधर देखिए तालाब है, वो डिफंक्ट है, काम नहीं करता है, कोई भी आप विलेज पॉन्ड है, तो इसीलिए आजकल गवर्नमेंट एक स्कीम जो है रिवाइवल ऑफ विलेज पॉन्ड, जो जल शक्ति अभियान है उसके अंडर में एक है जल, ये जो रिवाइवल ऑफ विलेज पॉन्ड है, वाटर कंजर्वेशन है, वाटर शेड मैनेजमेंट है, और अफोरेस्टेशन है, तो सारे चीज को आप देखेंगे इसमें मोनोक्रॉपिंग, सिंगल क्रॉप लेते हैं फार्मर, लोगों का ह्यूमन इंटरफेरेंस ज्यादा है, हाँ। और लोग जो गाय भैंस जितना जानवर है वो जाके बंद कर दीजिए, लोग जाना बंद कर दीजिए, कोई ग्रेजिंग नहीं होगी, सेटलमेंट नहीं होगी, तो एक होता है कि ओला की जो पानी गिरता है वहीं पे उनको हम हार्वेस्ट करें, तो वो होता है इंसिटू वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिस। तो आप देखेंगे हमें उधर रेनगेज भी इंस्टॉल किए हैं कि कितना पानी आ रहा है उसमें, हम लोग उसमें मेजर कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए ये हो गया जो नेचुरल फॉरेस्ट है, और ये ज़्यादा स्लोप के लिए, मीडियम स्लोप में आ जाएंगे टेरेस है, ये लोग तो आप डिफरेंट एरिया में जाएंगे, जो हिली एरिया है उधर टेरेस फार्मिंग करते हैं, टेयर जैसे काट के उसमें लोग फसल लेते हैं, लेकिन उसमें दो चीज़ मेन प्रॉब्लम है। मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन कोई ड्रेनेज चैनल नहीं देते हैं, ये देखिए ड्रेनेज चैनल, तो उसमें जो एक्सेस पानी है, तो एक्सेस पानी अपने आप मेडिसिनल प्लांट हो या कहीं टिम्बर हो या कहीं फ्रूट का प्लांट हो, तो सारे चीज़ फार्मर को एक फील्ड से वो सारी चीज़ उसको मिलेगा, कहीं वो गेहूं लगाए या गोभी लगाए या कुछ भी ले सकता कोई है, भी अपने कोई भी फसल वो ले सकता है, ये हुआ उसके बाद। और ऊपर जो है, ऊपर जो हमारा घर है, घर से वो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके वो टैंक से वो स्प्रिंकलर इरिगेशन उस एरिया के लिए, वो भी हम ड्रिप सिस्टम बना रखें, लेकिन ये ड्रिप का दो सोर्स है,
एक तो हमारे ट्यूबवेल से पंप करके आप ड्रिप चला सकते हैं, और एक जो उधर से जो पानी आया एक्सेस पानी, हम इस तालाब में जाने दिए। उधर वो जो तालाब हमारा गांव में डिफंक्ट है, काम नहीं कर रहा था, हम उसको रिवाइव किए। रिवाइव के बाद बना दिए, उसके बाद जितना एक्सेस पानी है तो इसमें जा रहा है, और उससे हम पंप करके ये ड्रिप। दूसरा पहाड़ है, दूसरा पहाड़ में क्या होता है, एक होता है अफोरेस्टेशन, जल शक्ति अभियान में हम लोग ये बोले अफोरेस्टेशन। अफोरेस्टेशन मीन्स पहले जंगल था, नहीं है अभी, नहीं है, तो उसमें हम प्लांटिंग करते हैं। तो प्लांटिंग करने बाद उसमें आप कोई भी फ्रूट प्लांट लिए अकॉर्डिंग टू कि कौन से एरिया में, और आप राजस्थान के लिए है या उत्तराखंड के लिए है या कहीं भी रहे, उसी हिसाब से जो भी फल का पौधा होता है तो उसी हिसाब से आप प्लांट लीजिए। और उसमें इनसीटू वाटर कंजर्वेशन करिए। इनसीटू वाटर कंजर्वेशन में क्या है, एक होता है स्टागर्ड ट्रेंच, ज़्यादा स्लोप जहाँ है, और एक होता है कंटिन्यूस ट्रेंच। तो दोनों चीज़ आप स्लोप के हिसाब से आप वो देंगे, जो कि जहाँ पानी गिरा तो वहीं पे वो जमीन पे चला गया, वहीं रुक गया वो पानी। उसको हम बोलते हैं हर्टी पास्चर सिस्टम, और उसमें घास लगा दिए। घास जो है वो फर्डर ग्रास है, तो जो ग्रेजिंग हो रहा था, मैं जो प्रॉब्लम बताया वो ग्रेजिंग ना होके उसको काट के लोग स्टॉल फीडिंग करेंगे, तो उसमें वो जो सॉइल इरोजन हो रहा था वो भी रुक जाएगा और वाटर कंजर्वेशन भी होगा। इधर आप देखेंगे कुछ एरिया में आप स्प्रिंकलर भी ले सकते हैं, तो माइक्रो स्प्रिंकलर से, तो आपका जो सपोज मस्टर्ड अभी है, सरसों जब बड़ा हो जाएगा हम आप उसमें जो बड़ा स्प्रिंकलर या रेनगन या उस टाइप का ले सकते हैं। अभी छोटे में आपका सपोज पालक लगा रहे हैं या कुछ भी लगा रहे हैं, उसमें माइक्रो स्प्रिंकलर आप लगा सकते हैं। उसके बाद जो पहाड़ से जो एक्सेस पानी आएगा उधर से हम डैम बना सकते हैं। डैम बना के उसमें जो एक्सेस पानी जाने के लिए वो एक ड्राउट स्पिलवे दिया जाता है, जैसे आप लोग देखे होंगे डैम में जब फ्लड आता है तो उसका गेट खुला दिया जाए, खोल देते हैं। हाँ, तो वो है इमरजेंसी स्पिलवे, उधर से हम लोग पाइपलाइन के थ्रू पानी लाते हैं, तो जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन। तो इसमें जो हमारा पानी का इस्तेमाल कैसे करें, तो सपोज हम लोग ऐसे चैनल में लाएंगे तो उसमें पानी लॉस जाएगा, एक तो कन्वेंस लॉस जाएगा, तो कन्वेंस लॉस को हम कम करने के लिए अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम से हम पानी लाते हैं, जो कि हम उस एरिया को इरिगेट कर सकते हैं। देन चैनल में जो नाले में जाता है ना उसको आप पक्का कर सकते हैं। पक्का करके ये जो है ये साइफन है, साइफन सिस्टम, तो इधर से पानी नाली को ही दिया जाएगा, जितना ज़रूरत है उतना ही पानी दिया जाएगा, तो जो कि हमारा जो एक्सेस पानी है उतना खराब यूज़ नहीं होगा। और उसके बाद देखिए कोई भी घर हो या कोई भी इधर को, अब देखिए एक स्कूल है, तो स्कूल से रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके हम एक ट्यूबवेल में डाले हैं, जहाँ जिस एरिया में सालाइन वाटर है, ग्राउंड वाटर बहुत खराब हो गया तो उसमें तो डायरेक्ट पी नहीं सकते, तो इसलिए उधर से वो गया, उधर से पंप करके हम एक फिल्ट्रेशन यूनिट में डालें, और फिल्टर होने के बाद एक टैंक हो गया। तो ये एक सिस्टम है जो बनाएंगे अपने स्कूल हो या अपना घर पे, आप आराम से अपना आरओ का पानी यूज़ करेंगे तो उसमें मिनरल चला जाता है, तो आराम से आप ये यूज़ करके अपना घर के लिए हो या स्कूल के लिए ड्रिंकिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और ये हम आप देखा है पॉली हाउस है, उस साइड को सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम है, जो कि पानी इधर से जाएगा पॉली हाउस से या स्कूल से भी, तो उसमें तालाब में हार्वेस्ट करके उसको ड्रिप इरीगेशन से आप सिंचाई कर सकते हैं। ये है ऑर्चर्ड है, कोई भी ऑर्चर्ड में फार्मर्स भी बहुत पूछते हैं कि ऑर्चर्ड में कैसे हम करें, ये हम सिस्टम दिखाएं। ऑर्चर्ड जब करते हैं फिर इसमें ड्रिप सिस्टम लगा सकते हैं, लेकिन जब ऑर्चर्ड जब छोटा होता है इस इंटर क्रॉप हम कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्चर्ड के साथ जो हम बोलते हैं डबलिंग फार्म इनकम, खाली सिंगल क्रॉप नहीं ले, वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप हो या फील्ड क्रॉप हो, सिंगल क्रॉप लेंगे तो हमारा जो इनकम है डबल हो नहीं सकता। अच्छा, अच्छा। तो इसीलिए हॉर्टिकल्चर के साथ इंटर क्रॉप में हमको ये लिए हम लोग पल्सेस, मूंग बीन लीजिए या काउपी लीजिए या कोई भी चीज, तो इनकम उसका बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा। तो आम है, मतलब हमने आमला लगा रखा, आमला है वो, ये आम है, आमले के बहुत बड़े बड़े पेड़ काटे में, तो यहाँ वो कुछ नहीं देता, नहीं मैं एक बार बीच में आया था, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप मुझे नंबर देना, मैं बुलाऊंगा आपको, आज देखना, मैं नंबर दे के जाना मुझे, नहीं आज देखना चाहेंगे तो अभी हमारे साइंटिस्ट लाके आपको दिखा सकते हैं। मैं बीच में आया था, मैंने बैगन के, सुनो एक बार आपको बुलाया, क्रॉपिंग जो सिस्टम दिखा ना मैडम ने, ऑर्चर्ड और क्रॉप जो मैडम ने, खेत का पानी खेत में, तो ये जो है मैडम ने खेत का पानी खेत में, तो ये जो है आप देखेंगे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, खेत का खेती में, ये स्लोप है ढालन इस तरह के, तो कंटिन्यूस ट्रेंच बीच बीच में बनाया गया है, तो उसमें क्या होता है पानी जब इधर से जाएगा तो रुक रुक के जाएगा। और देखिए बीच में हम लगाए मैंगो, आम के बीच में हम फ्लावर लगा दिए,
तो डबल क्रॉप फार्मर को मिलेगा, आम मिलेगा। आजकल शॉर्ट ड्वार्फ वैरायटी आता है और शॉर्ट ड्यूरेशन आता है, तो आपको 2 साल के अंदर फ्रूट्स भी आ जाते हैं मैंगो आम का, तो इस बीच में आप डबल क्रॉप भी ले सकते हैं। तो मैंने बुक करके आम के पेड़ यहाँ पर मिलते हैं नहीं? मिलते सब मिलेगा, आप चिंता मत करो, मुझे मैं बताऊंगा आपको। देखो 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 मैडम ने आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे पूरा सब तरह का डेवलपमेंट या रिसर्च दिखा दिया आपको, चाहे जहाँ पानी की कमी थी वहाँ पानी भी हो गया, जहाँ क्रॉप नहीं हो रही थी वहाँ क्रॉप भी हो गया, जहाँ पशुओं के लिए चरने के लिए चारा नहीं था वहाँ चारा भी मिल रहा है, और जहाँ पानी की कमी थी वहाँ पानी भी हो गया, आरो जब मैं पानी खराब जा रहा था वो आरो को लगाने की जरूरत भी नहीं है। मतलब एक ही जगह पे आपको सारा विकास दिखा दिया मैडम ने, इससे बढ़िया डेवलपमेंट मेरे हिसाब से मॉडल कोई हो नहीं सकता जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो इसलिए मैडम का इसमें हमें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। मैडम का बहुत बहुत मैं सत्कार प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और इनके लिए हम क्लिपिंग करते हैं, इतना बढ़िया काम सिखा। और मेरा अनुरोध है जो भी किसान भाई या बहन सुनेंगे इसको, तो ऐसा नहीं है कि आप ये मत देखिए, हर जो भी टेक्नोलॉजी हम लोग देखा है एक साथ नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल, जितना जरूरत है जो जिसके लिए जो प्रॉब्लम है उसका वो समाधान उतना ही कर सकता है, कर सकता है। लेकिन ये जो हमारा वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है गवर्नमेंट सरकार का जल शक्ति अभियान में, वो जो गवर्नमेंट हमारा वो देते हैं फंडिंग देते हैं, वो ब्लॉक को देते हैं, उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल किया जाता है उसमें ये सब काम होता है। लेकिन उसमें भी एक चीज मैं बोलूंगी कि इसके लिए एक तो पीपुल्स पार्टिसिपेशन चाहिए, लोगों का सहयोग चाहिए, और जो जो भी स्टाफ है उसका डेडिकेशन चाहिए। विदाउट डेडिकेशन हम ये चीज नहीं कर सकते। एक तो फार्मर्स का चाहिए और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनका भी सहयोग चाहिए। दोनों का इंटरेक्शन से ही, दोनों का सहयोग से ही हम लोग इसको डेवलप कर सकते हैं। मैडम बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैडम ने इतनी कीमती समय दिया और सर ने भी कीमती समय दिया। नहीं नहीं कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है, तो हमारा फर्ज है ये सब पब्लिक के बीच में जानी चाहिए रिसर्च, ताकि पब्लिक का विकास हो। पब्लिक को देखो सारा एक ही, मतलब विकास पूरा एक ही स्थान पे मिल रहा है, तो इसलिए मैडम से हम इस बात को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे इनका कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें बताई, और आप बीच बीच में मैडम से मिलते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। इस बीच में जैसे भी आपको आवश्यकता हो आप आ सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं। मैं आईसीआर में आता रहता हूँ, तो हम मुझे आप नंबर देके जाना, मैं बुलाऊंगा आपको। ठीक है ठीक ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।